हरियाणा के नूह में प्रशासन ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ नलेश्वर महादेव में पूजा करवाई। कुछ रोज पहले हरियाणा के पलवल में हुई महापंचायत में मंदिर से दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जबकि हरियाणा सरकार और नूह जिला प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल यात्रा निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद प्रशासन ने साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े 51 लोगों को नलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक की मंजूरी दे दी। इस दौरान कोई बवाल न हो, इसे देखते हुए पुलिस 3 गाड़ियों से उन सभी लोगों को लेकर मंदिर पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार राय की अगुवाई में जलाभिषेक किया गया। हालांकि तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने नूह को छावनी में तब्दील कर दिया। हिंसा दोबारा न भड़के, इसके लिए मंदिर के आसपास के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इस बीच हिंसा भड़कने की आशंका के बीच हरियाणा के नूह पहुंचने से पहले ही कुछ संतों को पुलिस और प्रशासन ने गुरुग्राम में रोक दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अयोध्या से आए ये संत नलेश्वर महादेव मंदिर में जाने की जिद पर अड़ गए, जबकि तनाव को देखते हुए प्रशासन ने नूह को छावनी में बदल दिया। बाहरी लोगों के नलेश्वर महादेव मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी कड़ी में यूपी के अयोध्या से ब्रजमंडल यात्रा में हिस्सा लेने आ रहे जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज को नूह जाने से पहले ही प्रशासन ने गुरुग्राम में सोना टोल प्लाजा पर रोक दिया। तो ना ये आगे जाने दे रहे हैं, ना ये पाछे जाने दे रहे हैं, गाड़ी की चाबी निकाल लिया, गाली गलौज ऊपर से हमसे कर रहे हैं। इस कार्रवाई के विरोध में उन संतों ने टोल प्लाजा पर ही अनशन शुरू कर दिया। इससे पहले 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में हिंसा भड़की थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने वहां सुरक्षा सख्त कर दी। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखने के साथ जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई। और तनाव के बीच सावन के आखिरी सोमवार को नूह में मौजूद नलेश्वर महादेव मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने मंदिर में धूमधाम से पूजा की। इससे पहले हिंसा भड़कने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए, और किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को इसी मंदिर से निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा पर हुए पथराव के बाद नूह समेत आसपास के कई जिलों में हिंसा भड़क उठी थी। इसी वजह से इस बार प्रशासन ने पूरे इलाके को पहले ही सील कर दिया। सिर्फ आसपास रहने वाले लोगों को ही पहचान पत्र दिखाने के बाद मंदिर में जाने और वहां पूजा करने की इजाजत दी गई। आप यहीं के रहने वाले हैं? जल चढ़ाकर आए हैं, आसपास ही रहते हैं, किसी तरीके की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नलेश्वर महादेव मंदिर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वहाँ कई लोग पूजा करते दिखाई दिए, जबकि हालात संभालने के लिए मंदिर के बाहर पुलिस के आला अधिकारी खुद मुस्तैद नजर आए, ताकि किसी भी तरह वहाँ दोबारा हिंसा न भड़क सके। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का फायदा उठाने की साजिश रची। ISKP खूंखार आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा है, जिसका गठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में आतंक फैलाने के इरादे से किया गया। सूत्रों के मुताबिक ISKP ने नूह में मचे बवाल की आड़ में भारत में मुस्लिमों को भड़काने की योजना बनाई, और सूत्रों का दावा है कि ISKP ने इसका ऐलान अपनी हर महीने छपने वाली पत्रिका के जरिए किया। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के लिए जाने जाने वाले ISKP ने भारत का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, और इसके लिए उसने नूह हिंसा और ज्ञानवापी मामले का सहारा लेते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला। सूत्रों का दावा है कि ISKP का मकसद भारत में रहने वाले मुसलमानों को भड़काकर भारत के कई शहरों में माहौल खराब करना था। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने ISKP की इस साजिश को भांप लिया और उसके इस प्लान से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई। आशंका जताई गई कि इस तरह के भड़काऊ लेख भारत में ही मौजूद ISKP से जुड़े किसी शख्स ने लिखे, जिसके बाद उसकी तलाश भी तेज कर दी गई।